तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं, अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमे नाचे खुशी मनाएं। अक्षय भदौरिया, प्राइम न्यूज 24, ब्यूरो भिंड मध्य प्रदेश की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रिया बोल, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां आज कांग्रेस द्वारा बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री विनोद नारायण द्वारा प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में विनोद नारायण का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि नीतीश सरकार में विनोद नारायण ने प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में आने पर सुंदर चेहरों से वोट नहीं मिलते नामक आपत्तिजनक बयान दे डाला, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया है। भिंड में परेड चौराहे पर एकजुट हुए कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विनोद नारायण का पुतला जलाते हुए उनके बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। पुतला दहन में मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि अनर्गल बातें करते हैं। ये उनकी ओछी मानसिकता का प्रमाण है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। जी बताएं अध्यक्ष जी, आज जो आपने परेड चौराहे पे पुतला दहन किया, किसका पुतला दहन किया है? बिहार के मंत्री विनोद नारायण द्वारा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नवनियुक्त महामंत्री माननीय प्रियंका गांधी के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की है, जिससे जिला कांग्रेस में आक्रोश है, हर जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। इस तरह एनडीए सरकार के मंत्री के द्वारा महिलाओं के अपमान के संबंध में बात करना जैसे निंदनीय है। कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है और ये मांग करती है ऐसे महिला विरोधी, महिला का अपमान करने वाले बिहार के मंत्री से इस्तीफा की मांग करती है, बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करती है। हम महिलाओं का असम्मान, उनका अनादर, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए पुतला दहन किया गया है, ताकि ये भविष्य में कोई भी इस तरह महिलाओं के अपमान में इस तरह के शब्द न बोल सके। इसलिए जिला कांग्रेस द्वारा यहाँ पर सभी के सहयोग से महिला कांग्रेस, छात्र संगठन, युवा कांग्रेस सभी ने मिलकर के, पूरी बिंदियों ने मिलकर के यहाँ पर पुतला दहन किया है और भविष्य में चेतावनी देते हैं कि महिलाओं के अपमान में इस तरह की भाषा बोलना एनडीए की सरकार बंद कर दे।